आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे व्लॉग्स में तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी देखो कितना भयंकर मौसम हो रहा है। इस मौसम की मेन हाईलाइट ये है कि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कहीं पे बहुत तगड़ी बारिश हुई है और छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी बूंदें भी पड़ रही है। कहीं ना कहीं बारिश हो रही है या तो हो चुकी है। और बादल देखो यहाँ भी होएगी 100%, मुझसे लिख के ले लो, यहाँ पे भी बारिश होगी क्योंकि मौसम बारिश वाला ही हो रहा है। हालांकि कहीं कहीं बादल देखो छटे हुए हैं, पर मेरे को पता है होगी बारिश, चाहे कितनी हो पर होगी। 6:45 बज गए हैं और अभी का स्टेटस अपडेट दे देता हूँ मैं आप। अभी का ये स्टेटस अपडेट है, देख लो, ये मेरे हाथ में और इनके हाथ में ये है। मेरे हाथ में गोलियाँ हैं, इनके हाथ में बंदूक है। तो पढ़ाई चल रही है गाइस मॉर्निंग में, कल सुबह मेरा एग्ज़ाम है और मैं नहीं पढ़ा कुछ भी नहीं पढ़ा। कल वाले व्लॉग में देखा था आप लोगों ने, कल वाला व्लॉग भी हमने जो है स्टडी से स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, और आज वाला व्लॉग भी हम लोग स्टडी से स्टार्ट कर रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम है और सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है क्योंकि दिमाग तो ब्लॉग में लग रहा है ना पढ़ने में नहीं है कुछ, ऐसा भी है। मॉर्निंग में 2 बजे तक मैंने एडिटिंग करी है, उसके बाद पढ़ने बैठा हूँ। जो व्लॉग आपने को लेकर देखा था वो मैंने कल 2 बजे तक एडिट, आज 2 बजे तक एडिट किया। दो सीरीज एक साथ पढ़नी है आज। ये वाली टी शर्ट मैंने काफी दिनों में पहनी है, पहले मैं इसी टी शर्ट में ज्यादातर व्लॉग बनाता था, आप लोगों ने देखा होगा, पर अब नई टी शर्ट आ गई है तो उनमें बनाता हूँ, तो मैंने आज ये ऐसी डाल ली थी। क्या हो रहा है, क्यों मतलब मेरे घुटने तोड़ने में लगे हुए हो आप? देखना घुटने पे मार मार के लाल कर दिया। क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? गुस्सा दिला रहे हो आप मेरे को। क्यों कहेगा, गुस्सा दिला दिया भाई मैंने आपको? भाई सुबह से 2 क्वेश्चन पढ़े हैं अभी तक बस। दो क्वेश्चन कितने बड़े बड़े हैं वो भी तो देखो। ये 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 25 क्वेश्चन है वो, उनका क्या फिर? 2 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो 25 क्वेश्चन कहाँ जाएंगे फिर? 25 क्वेश्चन वो 2 क्वेश्चन ही लिखे होंगे, बार बार रिपीट करके। इनका भी तगड़ा मूड खराब हो रहा है क्योंकि ये मेरे को याद करवा रही है, मेरे को याद हो रहा नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, अब जिसका जितना दिमाग होगा उतना ही तो चलेगा। और ये देखो मम्मी ले आई है इसको, शुभांशी को, शुभांशी द डॉन। भग जाए यहाँ से, काम फैलाओ। ये देखो कितना मासूम चेहरा लेके आती है, चारों तरफ तबाही मजा जाती है। ये देखो निकल जाए यहाँ से, भग जा। इसको देखो नीम के पत्ते खा रही है बैठ के, देखो ये देखो अरे बाप रे, कड़वे लग रहे हैं तो तरह तरह का मुंह बना रही है। ये खा गई और मैंने बोला था ना आज 100% बारिश आएगी, देख लो आ गई। देखो छींटे पड़ गए ना, ये देखो जैसा कि मैंने आपको बोला था, बोल रही है कट्टा ओढ़ के बैठ जाओ। इतना भी डेडिकेशन लिए पढ़ाई को लेके, हम उनमें से नहीं है। नदी क्रॉस करके जाते थे ना स्कूल पढ़ने के लिए, जैसे सर लोग कहानी सुनाते हैं। आप इस ब्लॉग से ना जो मोटिवेशनल तो कहीं से दिख ही नहीं रहा। हम खुद मोटिवेट नहीं है, लोगों को क्या मोटिवेट करेंगे। क्या पढ़ेंगे? विकास प्रशासन। हाँ। विकास तो मैं ही हूँ। हाँ, तो वो ही प्रशासन। विकास मागत व्लॉग। पहले कौन सा प्रशासन पढ़ा था अपन ने? पहले अपन ने पढ़ा था परिस्थितिक प्रशासन। हाँ। तो गाइस देखो हम लोग घुस चुके हैं त्रिपाल के अंदर, छोटा सा कट्टा है ये, अब इसके अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, देख लो हमारी डेडिकेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विकास प्रशासन, मेरे नाम का प्रशासन। विकास मागत व्लॉग्स भी आ जाए काश, तो चलो पढ़ लेते हैं। आंटी जी, आंटी जी यम्स दे दो, एक ये वाला और एक ये वाला। सो अभी यम्स लेने के लिए आया हूँ मैं तो शॉप पे, बारिश तेज हो गई थी तो हम लोग तो नीचे आ गए, दोनों नीचे पढ़ने लग गए। तो 2 यम्स ले रहा हूँ, पापा से 5 मांगे थे, पापा ने 10 दे दिए एज ऑलवेज। तो एक तो ये वाली ली है गोल वाली, और एक लंबी वाली और ले रहा हूँ मैं, और भी नहीं ले लेंगे एक एक। तो एक ये वाली यम्स ली है, तो 2 यम्स ले लिए मैंने। तो वो देख रहे ना, वो विनी बोलेगी कि मैं तो एक नहीं लूँगी, मैं तो दोनों में से थोड़ा थोड़ा खाऊंगी, मेरे को पता है उनकी आदत हमेशा की। यम्स ले आया है मैं, एक आपकी है एक मेरी है, कौन सी लोगे? मैं ये वाली। हैप्पी? ठीक है, हैप्पी है ये तो। चलो मैं, मेरे को ये वाली दी है इन्होंने। क्या बोल रहे हो? आधी आधी खाएंगे। जोर से बोलो थोड़ा। आधी आधी खाएंगे। ऐसे। आधी आधी मतलब? आधी आधी मतलब आधी ये आप खाना आधी मैं खाऊंगी, आधी वो आप खाना आधी मैं खाऊंगी। भाई हम तो जानते हैं ना, हम तो रह रहे हैं इनके साथ तो हमें पता है। क्या होता है, क्या पता है, क्या पता है? वही जो आपने अभी बोला, मैं पहले बोल चुका हूँ। खाओ ना लो। Mm-hmm.
मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। मजा आया, कैसा लगा? गजब बेइज्जती है, बहुत गंदा लगा। मेरे को भी लगा। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा, आप गलत कर रहे हैं। आ करो चलो। कल मेरा एग्जाम है और देखो कैसे मस्ती कर रहा हूँ। दो आप भी खा लो गाइस, वरना बोलोगे अकेले अकेले खा गया। आ करो आ करो आ, ये लो, मस्त लगा ना? मैं मेरा वाला नहीं दूंगी। यू चीटर, इसको कहते हैं सही मायने में मिल बांट के खाना। ये जो इंसान है, ये देख रहे हो ना, ये जो इंसान बैठा हुआ है सामने, ये महाशय ने अभी 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 आपको मैंने दिखाया था, अभी हमने कुरकुरे खाए थे, अभी खाए हैं कुरकुरे यम्स दो, ठीक है। और अब इन्होंने क्या मंगवाया है मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये वाला मंगवाया है चॉकलेट फ्लेवर, और एक ये वाला मंगवाया है। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, कुरकुरे के बाद इन्होंने ये देखो, ये है सिकी हुई मूंगफली और पताशे। तो एक कटोरी तो ये खा चुके हैं, ये दूसरी कटोरी है जो मैं लेके आया था नीचे से, और अब खा रहे हैं ये बिस्किट। झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, देख लो, सारी एनर्जी आपके पीछे वेस्ट हो गई। अच्छा, हमको सिखा रहा है? रीजन ये है कि मेरे को पढ़ाने के पीछे इनकी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई। और इसकी शुरुआत हुई कहां से? इस बंदे से। बहुत हंसी आ रही है मुझे, बहुत हंसी आ रही है। ये बैठा हुआ है ना, इस बंदे से। ये आया ट्यूशन से, ट्यूशन से आते ही लेके आया ये बिस्किट, और बिस्किट इन्होंने देख लिया, थोड़ा सा इन्होंने खा लिया, थोड़ा सा खाते ही फिर आप जुबान तो जानते ही हो। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि सैम जो है ना सेविंग करने की महानता झाड़ रहा था, तो अब इससे पूछ लेते हैं एक बार क्या स्टेटस है। हाँ भैया, सेविंग का क्या हुआ? एक बिस्किट का और एक टेढ़े मेढ़े का, और फिर बाऊजी ने पैसे की याद दिलाई ना, तो मैं वो याद आया कि यार पैसे सेव करने थे। बस हवा निकल गई। बच्चों का यही है गाइस, मतलब बोल देते हैं एक दिन और दूसरे दिन भूल जाते हैं। इसके साथ भी यही हुआ, 10 रुपये मिले आज के एक्साइटमेंट में जाके, एक ट्रेड मेडल ले आया, एक बाउंस ले आया, इसने फाड़ लिया, फिर एकदम इसको याद आया सेविंग करनी थी, फिर क्या करें, एकदम याद नहीं आया, बाऊजी ने पैसे की याद दिलाई ना तब याद आया। हाँ, चल लिखो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खा ले। गाइस चाचा तो पढ़ रहे हैं, अपन खा लेते हैं जब तक मूंगफलियां। गली में गाइस आज चहल पहल नहीं है बिल्कुल भी, मतलब बच्चे है ही नहीं, थोड़े बहुत ही है, और यहाँ तो मस्त पार्टी चल रही है, और इसमें संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। क्या पढ़ाई चल रही है? सीमित है, और संघीय स्वरूप वाली व्यवस्था, समझ रहे हो, संघीय स्वरूप वाली। क्या हो रहा है अम्मा? अम्मा और बुआ प्याज छील रही है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे व्लॉग्स में अम्मा और बुआ और चाची कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं, मतलब करते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं है। जैसे अभी अम्मा और बुआ प्याज छील रहे हैं, और चाची पढ़ा रही है, और अपन व्लॉगिंग कर रहे हैं, इसलिए अब कर ही कह सकते हैं यार, बोरिंग डे है। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, क्या करना है क्या करना है क्या करना है। गाइस अपन तो अपने नीचे चलते हैं, अपन उसके थोड़ा सा उधम कर रहे हैं। गाइस मतलब लड़के तो है ही नहीं, लड़के सारे पता नहीं खा गए। बाबू जी पूछ रहे हैं किसकी वीडियो बना रहे हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और रोज देखा करो, अच्छी वीडियो आती है विकास के। आगे माऊजी को भी बोलना आ गया गाइस। आज जो है सैम झाड़ू लगा रहा है छत पे, ये देखना पागल हो गया, अचानक मालिक याद आ गया क्या? मालिक याद आ गया, आराम से काटनी, दोबारा लगाना पड़ेगा। एक बार में सारा गिर जाता हूं। तो एक एक जगह क्यों काट रहा है,
इसको आगे भी तो सरका कचरे को। सो ये आज पहली बार झाड़ू लगा रहा है, इसको झाड़ू लगाना नहीं आता। ये डांस कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है भाई। दोनों डांस प्रैक्टिस चल रही है क्या? हम लोग अभी भी पढ़ाई करने में लगे हुए हैं। 7:30 बज गए रात के, उजाला अभी तक कंटिन्यूस है और मौसम देख लो कितना प्यारा हो रहा है। थोड़ी बहुत देर बारिश के बाद ऐसा मौसम हुआ है। सेम चक्कर आ जाएंगे। इसका झाड़ू लगाना तो देख ही लिया आपने, अब इसको डेली झाड़ू लगवाएंगे जिससे इसको प्रैक्टिस हो जाए झाड़ू लगाने की। इसको झाड़ू लगाना नहीं आता बिल्कुल भी। आपको आता है? सो गाइस फाइनली एक जो है बैड न्यूज़ है हमारे लिए, सैम के लिए तो गुड न्यूज़ है, क्यों सैम? और वो न्यूज़ गुड और बैड न्यूज़ वो ये है कि ये देखो, कल मैंने आपको बोला था ना ये फट, उसने बोला था फट जाएगी और ये फट गई। देखो इतना कल अंकल ने बोली थी कि ये दरार आ गई फटेगी। अब कल हम खेल रहे थे ना, तो खेलते खेलते ये इधर टीन पे चली गई थी, तो कल से इसको उठाई नहीं थी, तो अभी ये सैम लेके आया और ये ऐसी मिली है देखो छत पे, पता नहीं कैसे फट गई। आज तो धूप भी इतनी नहीं आई क्योंकि मौसम भी ठंडा था आज, और ऐसा लग रहा है किसी ने काटी है इसको देखो लिटरली। रात को ही लिया था ना तो ऐसी नौबत नहीं आती। अब पता नहीं कैसे फटी है ये। और आप इसका ना सपोर्ट करते हो पूरा पूरा, समझ रहे हो? ये ऐसे नहीं फटी है, बॉल फटती तो हल्की सी फटती, बिल्कुल हल्की सी, इतनी नहीं फटती जितनी इसको फाड़ा गया। भाई गई तो हमारे सामने थी ये। अच्छा ये देखो इधर से भी है, हमारे सामने गई थी। कहाँ गई थी? इधर टीन पे। अच्छा तीन में बड़ी बड़ी फट गई फिर। हाँ, मेरी बात सुनो, ये थोड़ी सी फटती इसकी हवा निकल जाती पूरी, फिर इतना दाब पड़ के, इतनी चौड़ी नहीं फटती है, थोड़ी सी फटती है इतनी सी। कैसे फटी होगी यार ये समझ में नहीं आ रहा। वो कील हो सकता है कल ये गई थी ना तभी फट गई हो, कील वील के अड़के, मैं तब भी आवाज नहीं फटने की, फट की आवाज आती ना। तो चलो पढ़ लेते हैं यार, अब क्या करें, फट गई तो फट गई। इसी बहाने हम भी पार्टी कर लेते हैं, हम भी खा लेते हैं, जबरदस्ती दे दिया तो अब क्या करें, खाना तो पड़ेगा, बिना खाए फिर मन भी नहीं मानता।